उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल बिहार के मोतिहारी से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार डबल डेकर बस दूध के कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हैं। यूपी के उन्नाव में हुए डबल डेकर बस हादसे में मोतिहारी के फेनहारा प्रखंड वार्ड नंबर 11 के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बस दूध के टैंकर को ओवरटेक कर रही थी, इसी दौरान बेकाबू होकर टैंकर को टक्कर मारते हुए बस पलट गई। बस में 59 यात्री सवार थे, 22 सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और पुलिस प्रशासन को मौके पर पहुंचकर जांच करने का आदेश दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कोलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो प्रगति होगी अवगत कराया जाए। आज सुबह 5:15 एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली पर, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों के मृत्यु की पुष्टि हुई है और लगभग 19 का इलाज जिसमें हम लोग CHC से प्राथमिक करा था, उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, बस तेज रफ्तार में थी? प्रथम दृश्य जो हमारे पास सूचना आई है उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और पीछे से आकर उस दूध जो टैंकर था उसको टक्कर मारी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है, हम लोगों ने करीब 6 नंबर जो कंट्रोल रूम के हैं वो जारी भी कर दिए कि जो अलग अलग जनपदों के इसमें निवासी थे बस में, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के थे, वो उस नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते अपने परिवार जनों के।